धन्यवाद सभापति महोदय। नियम 130 के अंतर्गत मेरे साथी माननीय सदस्य रोहित ठाकुर जी द्वारा प्रस्ताव लाया गया है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बिगड़ती स्वास्थ्य सुविधाओं पर जो चर्चा हो रही है, इस चर्चा में अपने आप को शामिल कर रहा हूं। सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मैं ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से आता हूं। शहरों में तो ऑप्शंस रहती है मेडिकल फैसिलिटीज की, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और मेडिकल कंसल्टेंट्स की वजह से, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में यदि स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है तो एक बहुत मैं समझता हूं कि ये चिंता का विषय है। और यही जो परिस्थितियां हैं मेरे विधानसभा क्षेत्र अर्की विधानसभा क्षेत्र में, मैं आपको आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि सिविल हॉस्पिटल जो दो वहां पर इस समय, एक अर्की में है एक कुनिहार में है, लेकिन एक भी विशेषज्ञ डॉक्टर का जो पद जो है वहां स्वीकृत नहीं है। 100 बेडेड हॉस्पिटल है लेकिन एक भी जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर का पद वहां स्वीकृत नहीं है। और इसी तरह सिविल हॉस्पिटल जो कुनिहार है उसमें एक्सरे मशीन जो है काफी समय से जो है खराब रही है। 50% से अधिक जो हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र अर्की विधानसभा क्षेत्र में है वो वहां पर स्टाफ नहीं है और स्टाफ होने की वजह से बंद पड़े हैं। इसके अलावा जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर बागा पहले डी नोटिफाई हुआ था लेकिन बाद में उसको नोटिफाई किया गया, अभी तक ना तो वहां बिल्डिंग बनी और डॉक्टर भी वहां पर नियुक्त नहीं किए गए। मैं ये आपकी जानकारी में लेना चाहूंगा। एक बड़ा ही दर्दनाक वाकया मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा कि 2 मई 2022 को एक सुशील पाठक नामक व्यक्ति, उनको स्नेक बाइक किया था और उनको सानन गांव से वो संबंधित थे, उनको अर्की हॉस्पिटल जो है लगभग 20-25 मिनट के अंदर जो है वो एडमिट करा दिया। उनको इमरजेंसी मेडिकल एड जो मिलनी चाहिए थी उनको ट्रीटमेंट नहीं मिला और जिसकी वजह से जो है उनकी डेथ हो गई। वो एक लगभग 40 वर्षीय नौजवान थे और ये एक बहुत बड़ा दर्दनाक वाकया था जिसमें जो सीधे तौर पे जो वहां पर नेग्लिजेंस की वजह से जो है वो उनकी मृत्यु हुई और छोटे छोटे बच्चे। मैं ये मांग भी करता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए और इस तरह की जब घटनाएं होंगी, एक रेफरल हॉस्पिटल जो हमारे जो बन गए हैं इसके बारे में हमें चिंता करने की जरूरत है। मेरे क्षेत्र में बहुत से गांव ऐसे हैं कि जो फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से जो संपर्क मार्गों से नहीं जुड़े हैं और वहां पर जब कोई बीमार हो जाता है तो उसको स्वास्थ्य सुविधाएं जो है बड़ी मुश्किल से मिलती है, उनको उठाकर लाना पड़ता है। उनके लिए भी हमें सोचने की जरूरत है और उसके लिए हमें चाहिए कि मोबाइल मेडिकल फैसिलिटीज का प्रावधान सरकार द्वारा किया जाना चाहिए ताकि समय पे जो उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। ये मैं कहना चाहूंगा और आपने मुझे समय दिया माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। थैंक यू।